नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। आज की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या से सियासी बवाल मचा हुआ है। साधु की हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी इसे पालघर कांड से जोड़कर महाराष्ट्र में साधुओं की सिलसिलेवार हत्या का आरोप लगा रही है और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रही है। नांदेड़ के 200 साल पुराने निर्वाणी मठ में शनिवार की रात खूनी खेल खेला गया। मठ के साधु रुद्र पशुपति महाराज की मठ के अंदर ही गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरा इलाका सन्न है, लेकिन हत्या के बाद जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। हत्या के बाद साधु के शव को बाहर ले जाने की कोशिश हुई। हत्यारे ने साधु का शव आश्रम की ही कार में डाला, लेकिन कार आश्रम के गेट में फंस गई। सेवादारों के जागने के बाद हत्यारा कार और शव छोड़कर भाग गया। अगली सुबह आश्रम से थोड़ी दूर एक और शव मिला। पुलिस के मुताबिक दूसरा मृतक आरोपी का साथी है। गुरुओं के यहाँ पर एक मठाधिपति महाराज और उनके साथ एक व्यक्ति भगवान रामराव शिंदे चिंचला कर ये दोनों का खून किया गया है, तो वो खूनी व्यक्ति को पकड़कर जल्दी उसको फांसी देने की कृपा करे, ही हमारी गांव तरफ से विनती है। वारदात के पीछे आरोपी का मकसद क्या था, वजह क्या थी, ये तो अभी तक पुलिस को नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि वो साधु का परिचित था, क्योंकि आश्रम का दरवाजा तोड़ा नहीं गया बल्कि अंदर से खोला गया था। इलाके के लोगों का कहना है कि साईनाथ नाम का आरोपी पहले भी कई वारदातों का आरोपी है। इसी तरीके की घटनाएं वो पहले भी करते आ रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन ली नहीं, और उसका परिणाम ये है कि आज महाराज जैसे बड़े आदमी का यहाँ पे खून हुआ है। पुलिस के खिलाफ में कुछ कार्रवाई की आपने मांग की है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबसे पहली कार्रवाई तो पुलिस के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस तब अगर कुछ उसके ऊपर गुनाह दाखिल करती थी, उसको वहां पे कुछ एक्शन लेती थी, तो शायद ये आज का दिन हमें देखने नहीं पड़ता था। रुद्र पशुपति महाराज लिंगायत संत समाज में बड़ा कद रखते थे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकातें हो चुकी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि महाराष्ट्र के पालघर में ही महीना भर पहले दो साधुओं की हत्या से बवाल मच चुका है, लिहाजा हत्या के इस मामले को भी राजनीतिक रंग लेना ही था। शुरुआत की बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। पात्रा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के नांदेड़ में दो और साधुओं की गला रेत कर निर्मम हत्या। गत एक महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब एक महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है, ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र? उधर अपनी ही पार्टी से खफा माने जा रहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो साधु की हत्या को लेकर सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, देश में साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है नांदेड़ की, एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। गहराई में जाना जरूरी है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो हत्याएं नहीं हो रही है। सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नांदेड़ में हुई हत्या को पालघर से जोड़कर महाराष्ट्र में ऐसी हत्याओं के सिलसिले पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आरोपी साईनाथ ही बता सकता है। वो पुलिस की पकड़ में आ चुका है, अब और सच्चाई जल्द ही बयां करेगा। कुमारचंद मंडले, नांदेड़, आज तक। उधर कल से घरेलू विमान सेवा भी उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र और कुछ गैर बीजेपी राज्यों की सरकार के फैसले का अब भी इंतजार है। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कल से विमान सेवा शुरू करने पर हाथ खड़े कर दिए। अब समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। एयरपोर्ट तैयार, We'll be right back.
बयान का इंतजार। केंद्र राज्यों में रात, कल से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कई राज्यों में विमान सेवा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कुछ राज्यों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं, वहीं कुछ राज्य के फैसले का अब भी इंतजार है। गैर बीजेपी शासित चार राज्यों में महाराष्ट्र ने कोरोना के कहर को देखते हुए साफ कर दिया कि अभी वो तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ का रुख भी कुछ ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल ने 30 मई से कोलकाता से उड़ान की अपील की, वहीं तमिलनाडु 24 घंटे पहले तक कुछ फैसला नहीं ले पाया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ईमेल भेजकर अपनी लाचारी जता दी। सरकार ने साफ कर दिया कि मौजूदा हालात में 25 मई से उड़ान सेवा शुरू नहीं कर सकते। राज्य सरकार की दलील है कि मुंबई और पुणे दोनों रेड जोन में हैं। इन शहरों में लोगों और ट्रांसपोर्ट दोनों के आने जाने पर पाबंदी है। ऐसे में रोजाना 27,000 से ज्यादा लोगों के आने जाने के इंतजाम कैसे होगा? त्याच्यामुळे नेमकं प्रवासी येणार ते कसे येणार, त्यांची खबरदारी तुम्ही काय घेणार, आम्ही काय घ्यायची, एअरपोर्ट सुरू करायचा म्हणजे एअरपोर्टला लागणारा कर्मचारी वर्ग किती लागणार, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उड्डयन मंत्रालय की ओर से सटीक जानकारी न होने के साथ साथ SOP की भी मांग की है। कोलकाता एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार है, नई गाइडलाइंस के मुताबिक सारे इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन ममता सरकार कल के बजाय 30 मई से उड़ान सेवा की बहाली चाहती है। लॉकडाउन 4 में कोरोना से जंग के साथ साथ जिंदगी को भी रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। उड़ान सेवा की बहाली इसी मकसद से हो रही है, लेकिन जहां कोरोना का कहर है वहां हवाई जहाज कैसे उड़े, ये भी बड़ा सवाल है। मुंबई से साहिल जोशी और कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।